माशाल्लाह आज की तकरीब जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन ने जो सजाई है, और इसमें ख़ास तौर से मैं पूरी कुतियाना कम्युनिटी, कुतियाने की जो कमेटी है उनको और ख़ास करके हाजी उस्मान परदेसी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि और अयाज बंदूकड़ा के इन्होंने बहुत ही अच्छी ये तकरीब सजाई है। और इस वक्त जो हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर में जो काम हो रहा है उसमें हमारी दो जो है जमातें माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कुतियाना जमात है और हमारी उपलेटा जमात भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, हमारी मेमन कम्युनिटी को। और अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है ये हमारी दो जमातें, इसमें कुतियाना जमात भी है और हमारी जमात भी बहुत अच्छा एक्टिव रोल अदा कर रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, जो जो काम कर रही है उसकी बहुत लंबी डिटेल है। इसके साथ साथ मैं अभी आपने पूछा मुझे अली गोडिल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अल्लाह इसको और तरक्की दे, मतलब जितनी स्पीड से इसने तरक्की की है और ये एक एग्रेसिव है अली, कि वो माशाल्लाह काम कर रहा है और काम करके उसने दिखाया। और हमारी जो मेमन कम्युनिटी को ये जो मीडिया वाले हैं अली है, हमारी मेमन कम्युनिटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है इनको एक्चुअल पिक्चर पे लाने वाले ये है, वरना पता नहीं चलता है कि जमाते या हमारी कम्युनिटी क्या काम कर रही है। हमारी इसमें मेमन टीवी का अली गोडिल का बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी मेमन कम्युनिटी को उजागर कर रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं। उसमें मैंने अली को देखा है कि बाज़ औक़ात तो उसको अप्रिशिएट नहीं भी किया जाता, इसके बावजूद वो काम करता रहता है। और हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये और कम्युनिटी के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच।